गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पावर एजुकेशन पॉइंट में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 22, 23, 24 देखेंगे, जो एक्सरसाइज 3C का है। तो अगर आप लोग इससे पहले का जो क्वेश्चन सारा था 1 से 21 तक, आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कितना 22 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x − 20। मेथड क्या है कि लास्ट इंटू फर्स्ट का कॉफिशियंट से मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट में क्या है 20 है माइनस 20, और सेकंड मतलब लास्ट फर्स्ट में क्या है कॉफिशियंट एक्स स्क्वायर का 1, यानी मल्टीप्लाई करने पर आपको माइनस 20 लाना है। अब बीच वाला टर्म देखिए, मिडिल टर्म को तोड़ने पर कितना लाना है, −3√5x। तो जब भी बताए थे कि रूट में जब भी रहेगा मिडिल टर्म को तोड़ना, तो कैसे करेंगे, पहले जो रूट में उसे आप भूल जाइए, ठीक है। अब देखिए 3 पर ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, 3 कैसे आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा ना। और 4 में देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ ये इस पर सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4√5x और प्लस √5x और −20। देखिए 4 में से यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना 1√5, 4 में से 1 गया 3 आ गया, यानी 4√5 में से 1√5x चला गया तो 3√5 हो गया। अब देखते हैं कि इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो −20 आता है कि नहीं। तो कौन कौन टर्म लिए हम, 4√5 इंटू क्या लिए, −4√5 ना, और एक प्लस में √5 लिए। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, इसका कुछ नहीं कॉएफिशिएंट तो 1 है, तो 4 × 1 = 4, और √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा। तो 5 × 4 = 20, अब −7 − 20, देखिए आ गया −20। जब आ गया तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब बस सिर्फ इसमें क्या करना है, तोड़ना रहता है। अब आप ये तो आप सारा पढ़ लिए, किससे ऐसे कॉमन लेंगे, दो दो का पेयर लगाकर। तो ये दोनों में कॉमन क्या है भाई, x कॉमन है, तो आपका बच गया क्या x − 4√5। ये दोनों में कॉमन क्या है, ये जो टर्म लिख वही यहाँ पे लिख दीजिए x − 4√5। ऐसे आप लोग आसान हो जाएगा, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। यहाँ से अगर जो आप कॉमन लिए, अगर ये सही है तो यही वाला टर्म यहाँ पे होगा, तभी ना कॉमन होकर आगे बनेगा। तो देखिए तो √5x में से एक अंदर है तो बाहर कौन रहेगा भाई, √5। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे, प्लस −−, अंदर गुना किए √5 में x, √5x, √5 में 4√5 से देखिए गुना किए तो कितना आ गया 20 आ गया। तो x − 4√5, x − 4√5 दोनों जगह कॉमन, तो यहाँ पे लिखिए x − 4√5, बचा क्या x + √5, आपका ये कंप्लीट हो गया। बस देखने में सिर्फ लग रहा है कि रूट में आ गए तो बहुत बड़ा मैथ है, लेकिन ये बहुत बड़ा मैथ नहीं, बहुत आसान है। सिर्फ बीच वाले मिडिल टर्म को क्या करना है, तोड़ना रहता है। अब देखिए यहाँ पे 23 आया, 23 में देखिए बीच में मिडिल टर्म किस में आ गया, स्क्वायर रूट में आ गया। तो क्वेश्चन क्या है, x² + √2x − 20। तो मेथड क्या है, लास्ट इंटू फर्स्ट का कॉफिशियंट, इसका कॉफिशियंट कुछ नहीं तो 1 है, तो −24 में 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो −24 आएगा। मतलब मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट कितना लाना आपको −24, इसका प्रोडक्ट कितना लाना है −24। अब बीच वाला मिडिल टर्म को अगर स्प्लिट करेंगे तो लाना है क्या, +2√x, यानी 1 तो छिपा हुआ होगा, यानी 1√2x। तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए 4 में से 3 घटा दीजिए, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको बैठा रहे हैं, −3√2x − 24। देखिए तो 4√3, 3√6, 4 में से 3 गया 1, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते तो −24 आता है कि नहीं, देख लेते हैं। 4√2 प्लस में लिए, इंटू 3√2 किस चीज में लिए, माइनस में लिए, तो 4 × 3 = 12 हो गया, और √2 में √3 से हुआ तो 2, और ये माइनस से बचे तो माइनस, तो 12 × −24 आ गया, गुना करने पर ही −24 आ रहा, और जो नेक्स्ट टाइम पर बीच वाला टर्म को लाना है कितना, 2√2x। तो ये हो गया, तो आप यहाँ पे लिखिए, तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, x कॉमन है, x बाहर निकल गया तो बचा क्या x + 4√2, यही टर्म यहाँ पे लिखा जाएगा x + 4√2। अब देखिए 3√2x में से x अंदर है तो बाहर कौन रहेगा, इसी में से देखिए ना, 3√2x में से x अंदर है तो बचा कौन, सिर्फ ये, तो ये बाहर रहेगा, 3
रूट टू। अब मल्टीप्लाई कीजिए थ्री टू एक्स का क्या, अब बाहर कौन सा साइन लेके इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। तो थ्री रूट टू एक्स की क्या है माइनस में और ये प्लस में, तो हम माइनस लेंगे। देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए बचा क्या हमारा, तो एक्स प्लस फोर रूट टू, यहाँ भी एक्स प्लस फोर रूट टू है दोनों कॉमन, तो एक्स प्लस फोर रूट टू बचा क्या, एक्स माइनस थ्री रूट टू, बस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर, 24 नंबर में क्या है, यही प्रक्रिया वही कि लास्ट इनटू फर्स्ट का कॉफिशियंट, या कॉफिशियंट कुछ है तो वन है, तो 30 में माइनस 30 में वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन से तो क्या आएगा माइनस 30, यानी आपको प्रोडक्ट कितना लाना है माइनस 30 लेना। अब बीच में मिडिल टर्म को क्या लाना है, टू रूट टू एक्स, तो कैसे करेंगे इसका आप लोग करिएगा, पांच में से तीन घटाएंगे तो दो आ जाएगा, नहीं वैसे नहीं आएगा, हाँ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव रूट टू एक्स और प्लस थ्री रूट टू एक्स और माइनस क्या 30, देख लीजिए पांच में से तीन गया दो, पांच का साइन बढ़ा माइनस में, देखिए माइनस में, इसको आप उसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं माइनस 30 आता है कि नहीं, तो फाइव रूट टू माइनस में लिए हैं और गुना थ्री रूट टू प्लस में लिए, तो पाँच थी आई 15 हो गया, और रूट टू में रूट टू से हुआ था टू, अब 15 में 30 और माइनस लगा था माइनस, तो आगे गुना करने पर माइनस 30, अब बीच वाला स्प्लिट करने पर भी कितना आ रहा था, आपको लाना था कितना टू रूट टू एक्स, तो जब हो गया सेटिस्फाई तब इसे पुट कीजिए, तब इसे पुट करें दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो बचा क्या एक्स माइनस फाइव रूट टू, यही टर्म यहाँ पे लिखिए एक्स माइनस फाइव रूट टू। अब देखिए थ्री रूट टू, यहाँ पे एक्स भूल गया लिखना, थ्री टू एक्स में से एक्स अंदर है तो बाहर कौन रहेगा थ्री रूट टू, और थ्री रूट टू यहाँ एक्स प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में लेंगे, देखिए प्लस 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 माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस बड़े दे देते हैं माइनस, तो अब देखिए कॉमन क्या क्या होगा, एक्स माइनस फाइव रूट टू, एक्स माइनस फाइव रूट टू, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स माइनस फाइव रूट टू, बचा क्या एक्स प्लस थ्री टू, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।